मैं पता करती हूँ, सवा सौ काम पे गए हैं आप। सिर्फ वजन लेके गए और साथ वजन लेके आए, जेब में भी कुछ लाए होंगे? कोई नहीं, जब काम ही नहीं मिला तो लेके मैंने क्या आना था। हालात बड़े खराब हैं इन दिनों। सो जाते हुए मैंने रोका था आपको कि बंदा कोई ऐसा काम करे जो भी करने का दुख भी बनती है इन हालात में। और क्या करें, हालात ऐसे ही हैं। मैं पंखा वगैरह चलाऊं, पानी पी लो। नहीं नहीं कोई नहीं, हालात बाहर के हालात कोई नहीं, बाहर तो काम मुश्किल है। तो ये आप सुन नहीं रहे पहले कि बाहर कोई काम नहीं मिल रहा किसी को और आप एक नए काम ढूंढने चल पड़े हो? यही कहते हैं इंसान को, देखो अब नौकरी रही नहीं, मेरी बात सुनो, नौकरी रही नहीं और कोई है नहीं, तो कोई काम तो करना पड़ेगा ना। घर तो चलाना, लॉकडाउन में है, कोरोना। अब क्या सोच रहे हो? अच्छा मैं ना आपको एक बात बताऊँ, वो ना ये साथ हमारे आस पड़ोस में नहीं है औरतें, ये जाती हैं इकट्ठी सुबह ना कि भाई वो फार्म है सब्जी वगैरह का और फ्रूट का ना, वो जैसे होते हैं तो वो ना वहाँ चुनती हैं, फिर उनको हर रोज। अच्छा, मतलब डेली काम, आपका मतलब है मैं भी काम पे जाऊँ? हाँ मतलब सुबह बंदा चला गया तो, लेकिन घर सारा दिन। अच्छा, वो रहे। बड़ी बात है, मतलब अब औरतें, आप खुद, आपको बड़ी बात याद आ गई, आप खुद देखो अभी आप गए और वेले वापस आए हो। हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, काम तो नहीं करने ना। हाँ फाके तो नहीं करने, कोई और हाल सोचते हैं यार, कोई अच्छा सा काम मिल जाए ना। अच्छा सा काम क्या है, एक तो यही मुझे बेहतर लगा है और वहाँ औरतें ही जाती हैं, मर्दों को नहीं जाने देते, ठीक है ना? तो ऐसा है ना, मैंने यूट्यूब पे ना अक्सर लोग बड़े कमा रहे हैं, मैंने सुना है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं चैनल बना लेता हूँ यूट्यूब पे, तो कहते हैं कि अच्छी कमाई हो जाती है अगर घर पे बैठ के हम यूट्यूब पे काम करें। आप उस पे काम शाम करो, वीडियोस वगैरह बनाएं, व्लॉग शिलाग बनाएं, तो व्लॉग में तो फैमिली को भी आप खुलाओगे फिर आउट तो नहीं? नहीं फैमिली, फैमिली का फैमिली को वीडियो हम नहीं, लोग नहीं, जमाना मैं, क्या मैं कुकिंग का बना लेती हूँ। जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कमेंट्स बड़े गंदे। अच्छा जब भूखे बंदा मर रहा होगा तब तो जमाना नहीं कुछ क्या था। हाँ ये बात है, आपका क्या मतलब है कि आप भी मेरे साथ काम करोगी? ये सारी खवातीन जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को वापस आती हैं, सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, ना बाल बच्चे का पता, ना घर बार का पता है, तो ये अच्छा काम होता है। ऑफिसेज में भी खवातीन काम कर रही हैं। अच्छा आपका मतलब ये है कि हम मिलकर चैनल चलाएं? आप भी बना लो, मैं भी बना लेती हूँ कुकिंग का। बंदा जो पकाएगा वो बताएगा रेसिपी, तो इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तो सेट हो जाएगा ना, लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अभी ना काफी दबा हुआ है हमारी सोसाइटी। हाँ सोसाइटी दबी हुई है, अगर तो हम पढ़े लिखे ना होते तो फिर तो हमारे लिए परेशानी की बात होती कि हम क्या करें, हमारे जहन में आ रहा है ये जरिया, तो फिर हम इसे अवेल क्यों ना करें। हाँ मैंने सुना लोग अच्छे कमा लेते हैं घर में बैठ के, और मेरे ख्याल में तो कमा लेंगे ना कि भाई दो वक्त की रोटी, बच्चे हमारे सुखी रहेंगे। ये बात तो आप लोग करते रहते हैं ऐसे, मैंने सुना है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है ना, लोग तो बातें करते रहते हैं। अब देखो हम भूखे बैठे हैं तो हमें तो कोई नहीं दे रहा, तो बेहतर नहीं कि हमको काम कर लें? और इन दिनों में तो मेरे ख्याल में अगर घर पे बैठ के वीडियोस बना के हम कर सकें तो और ज़्यादा मुनासिब है। अच्छी बात है कि घर में बैठेंगे भी और महफूज भी रहेंगे और पैसे भी आते रहेंगे, हमारी रोजी रोटी भी चल जाएगी। तो शुरू करें फिर मेरे ख्याल में, बातें वगैरह हर काम में होती हैं, सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो फिर आप तसल्ली करें, अल्लाह का नाम लें और शुरू करें। मैं कुकिंग का और बल्कि आप फिर अगर करना है तो फिर मेरे साथ व्लॉग भी बनवाओ। हाँ हम आएंगे, व्लॉगिंग में भी आएंगे आपके साथ, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं है हेजिटेशन। तो मेरे ख्याल अच्छा, हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे थे कि हम आप लोगों को इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि इन हालात में यूट्यूब का चैनल बना लेना, बदतर होते जा रहे हैं। हाँ बहुत बदतर होते जा रहे हैं, तो रोजी रोटी और घर के सिचुएशन चलाने के लिए ना अगर एक छोटा सा चैनल भी हो ना तो बंदे का सर्कट चल लेता है। और अक्सर हमारी माएँ बहनें इस शर्म में मारी जाती हैं कि हम वीडियोज़ कैसे बनाएं, लोग क्या कहेंगे, बात क्या होगी।
तो लोग नहीं राजी होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी वही लोग हैं, वही लोग हैं, हम भी वही लोग हैं। हमें भी बड़ा इतराज आता है, हमें भी ऑब्जेक्शन हम शायद करते हो, लेकिन जब हम खुद शुरू करेंगे ना तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमने बात नहीं करनी और ना ही ये कोई इतनी बुरी है, क्योंकि लोग हमसे ही बनते हैं, हम ही लोग हैं जो बातें करते हैं। लेकिन जब हम वो काम करेंगे ना तो हमें खुद अंदाजा होगा कि ये काम इतना बुरा नहीं है जितना हमने इसको बना के पेश किया है, और काफ़ी बेहतर है, महफूज तरीन काम, महफूज तरीन। घर पर बैठ के बंदा कुकिंग का बना ले, व्लॉगिंग का बना ले, कोई और जो भी काम आता है, हमारी खवातीन, हमारी बहनें जो शर्म करती हैं नहीं बना सकती, वो भी बना सकती हैं अच्छे तरीके से, मौको भी अपने साथ चला सकती हैं। तो हमारा तो आप लोगों के साथ यही मशवरा है, अपने बच्चों का सोचें, अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें, घर में रहें, महफूज रहें, और आप अच्छी अच्छी वीडियोज बना सकते हैं तो बनाएं, ताकि बच्चों के साथ बनाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, जितना चैनल आप हमारा देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों का इतना चैनल भी चल जाए तो आराम से आपके घर का निज़ाम चल सकता है, मतलब बगैर फिक्र। हमने आपको दो दफ़ा इनकम शो बताए थे, आई है वो इसी वजह से बताई कि आप लोग मोटिवेट हो। अब नेक्स्ट नहीं बता रहे क्योंकि आप, हमें पता है हम ले रहे हैं, तो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम आप लोगों को नहीं बता रहे, लेकिन हम इतना ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हैं। अगर उतना आप भी ले लेना तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग, हम मतलब ज़्यादा ना लालच करें और बगैर कोई खर्चा है, ये नेट आप लोग यूज़ करते हैं वैसे ही, चलो इसे किसी अच्छे काम की तरफ यूज़ कर लें जिससे आपको फ़ायदा भी हो। एक सिर्फ इसी इंटरनेट का खर्चा है जो आप लोग, और बाकी वीडियो सोचनी होती है वो ज़रा मुश्किल काम होता है कि हम बनाएं क्या, बच्चे खेल रहे हैं एक वीडियो लगा दें। बहुत से लोग ऐसे घर बार से दूर हैं जो सिर्फ अपने बच्चे देखना चाहते हैं, वो आप लोगों की वीडियो शौक से देखेंगे कि भाई हमें इसमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, फैमिली माहौल नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त तरीन काम है। लेकिन एक काम करना है कि आजकल बड़ा एक और ट्रेंड चल चुका है कि लोग चैनल बना लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं तो फिर लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये काम ज़रा एहतियात करें, ऐसे ऐसे काम ना शुरू कर दें। काफ़ी चैनल्स मैं देख रहा हूँ कि वो लोगों से इमदादें मांगते हैं। हाँ, नहीं, अपना ये गलत बात होती है, ट्रेंड करें, प्योर करें, अपना काम करें, प्योर करें, रियल और जेन्युइन काम, ना ही किसी से कोई हेल्प मांगे, कुछ भी ना करें, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। हम बिल्कुल मदद, बगैर मदद नहीं मांगनी कभी किसी से, ये नहीं कहना कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, मेरे साथ ये कर दो, आप मेहनत करें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। प्रमोशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता, एक दो वीडियो में फर्क पड़ भी जाए तो बाद में फिर वह ऐसा कर वैसा बंदा पीछे आ जाता है। चैनल सर्च किए हैं जिनकी प्रमोशन की गई है तो उनकी सिर्फ एक वीडियो पे फर्क आया, बाकी वैसे वही हालात है, वही मांगे से बेहतर है बंदा अपना हाथ का काम दिखाए, अपना हैंडवर्क दिखाए। हाँ, मतलब कोशिश करे कि बंदा अच्छी वीडियोस बनाए, व्लॉग्स बनाए। तो ये जो हमने थोड़ा सा ड्रामा शूट किया था समझाने के लिए, हाँ, समझाने के लिए कि ये हालात आने हैं। हाँ। और आ चुके हैं, आ चुके हैं हमारे घर के दरवाजे पे, तो आज भी टाइम है, आज भी वक्त है, मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ हमारी जॉब है, लेकिन हम इसके बारे में सिक्योर नहीं है कि ये कब तक रहती है, क्योंकि फारिग बंदे को कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता अभी हम। लेकिन हमारे पास अल्टरनेट है कि हमारा ये चैनल बन चुका है और माशाल्लाह से इतना अच्छा कमा रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सकते हैं। मतलब लाखों वाली बात तो नहीं है, ये नहीं सोचना कि लाखों में कमाता है, मतलब इतना कमाता है कि एक सैलरी बन जाती है बंदा की, घर का सबका, घर का निजाम, राशन पानी चल जाता है। जॉब के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, वो खर्च करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन इसके लिए तो खर्च ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो बस मुख्तसर, ज़्यादा लंबी हो रही है तो आपको बोरियत हो रही होगी, हमारी एक ही सजेशन है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक ही यही सजेशन है कि आप चैनल्स बनाएं, काम करें, फैमिली जाके काम करें जो कर सकते हैं, मतलब जो कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, आएं काम करें, घर का सर्कट चलाएं, रोजी रोटी चलाएं, बेहतरीन और मुखलिस और ईमानदारी और जेन्युइन वीडियो बनाएं, मतलब वो जो मांगे तांगे वाली काम है बिल्कुल छोड़ दें, तो इंशाल्लाह कामयाबी कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद होगी, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।